मायावती जी, आपकी आईएएस अफसर बनने की तमन्ना थी, लेकिन आप राजनीति में आकर कहाँ फंस गई? ऐसा है, मेरे फादर की दिली तमन्ना थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं और गरीब और मजलूम करूं। तो उसी दौरान 1977 में मेरी मुलाकात समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम जी से हुई। तो तब मान्यवर कांशीराम जी ने कहा मुझसे कि भाई आप आईएएस बनकर अपने लोगों की सेवा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं। जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर चलते। तो मैं आपको एक जिले का कलेक्टर नहीं इतना बड़ा राजनीतिक नेता बनाना चाहता हूँ कि जिले का कलेक्टर आपके सामने आए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे मेरे बाप की बात तो समझ नहीं आई, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी की बात समझ में आई। मान्यवर कांशीराम जी ने, उनके साथियों ने मुझे मौका दिया और मैं आज बड़ी नेता भी बनी हूँ। और आज मैं महसूस कर रही हूँ कि आईएएस ऑफिसर आज मेरे सामने फाइल लेकर खड़े रहते हैं। आप कहती हैं कि आईएएस ऑफिसर आपके सामने फाइल लेकर खड़े रहते हैं, आप तो मंत्री भी नहीं है, आईएएस ऑफिसर क्यों आपके पास खड़े रहते हैं? ऐसा नहीं लगता कि संविधान के खिलाफ ये बात भी? जब हमारी गठबंधन की सरकार है और मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ, तो यदि कोई अधिकारी गलत काम करता है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उससे पूछताछ भी कर सकूं। आपको लगता है कि धीरे धीरे पार्टी आपके कब्जे में आ रही है और आप नंबर वन नेता हो सकती हैं आगे इसकी? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह बात जरूरी है कि मान्यवर कांशीराम जी ने तो अपने बाद मुझे दूसरे नंबर पे तैयार किया है, पार्टी का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बनाया। उनकी दिली भी तमन्ना है कि मेरे बाद मायावती इस मिशन को संभाले।